तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो इस फिल्टर को बनाने के लिए हमें पहले एक 1K का रेजिस्टर चाहिए होगा और एक 1 माइक्रोफैरेट का कैपेसिटर चाहिए होगा। वोल्ट मैटर नहीं करता है, हमें बस इन्हीं दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इससे बेस IC की तरह ही साउंड आता है। तो पहले कैपेसिटर के प्लस पॉइंट के साथ रेजिस्टर को जोड़ दीजिए इस तरह से। अब एक ऑडियो जैक लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 तार है, एक ग्राउंड है और एक लेफ्ट है और यह हरा वाला राइट है। तो आप किसी भी एक चैनल को लेफ्ट या राइट को रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दीजिए इस तरह से। और जो ग्राउंड होगा उसको आप कैपेसिटर के नेगेटिव पिन से जोड़ दीजिए इस तरह से। आप 2 तार को लीजिए और इसको एक को कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ जोड़ दीजिए और दूसरे तार को कैपेसिटर के पॉजिटिव एंड से जोड़ दीजिए। बस इतना ही काम था। ये पूरी तरह से रेडी है। अब इसको हम बोर्ड के साथ जोड़ेंगे। अगर आपके पास 2.1 चैनल वाला बोर्ड है तो आप एक चैनल को साउंड के लिए यूज़ करेंगे और दूसरे चैनल को सिर्फ बेस के लिए। तो यहाँ पर मैं 3055 वाला बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप किसी भी तरह का बोर्ड यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में काम करेगा। तो इस बोर्ड का इनपुट है यहाँ पर, एक है लेफ्ट और एक है राइट, यहाँ पर है ये दोनों और एक है ग्राउंड। तो हम किसी भी एक चैनल में इस जो फिल्टर है उसका पॉजिटिव एंड जोड़ देंगे और दूसरा वाला जोड़ेंगे नेगेटिव में या फिर ग्राउंड में। और यहाँ पर जो दूसरा चैनल का इनपुट रहता है यहाँ पर हम इस इनपुट को जोड़ देंगे इस तरह से। तो हमें एक में सिर्फ बेस मिलेगा और दूसरे में साउंड मिलेगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।